नमस्कार डीवी न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि सोमालिया के पास एक जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। बता दें कि जिसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर भी सवार हैं। एमवी लीला नॉरफॉक नाम के इस जहाज को सोमालिया की समुद्री सीमा के पास हाईजैक किया गया है। हाईजैकिंग की जानकारी मिलने के बाद भारतीय नौसेना एक्टिव हो गई है। बता दें कि नौसेना ने अपना एक युद्धपोत INS चेन्नई किडनैप किए गए जहाज की तरफ रवाना कर दिया है। नौसेना का कहना है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक किडनैप किए गए जहाज MV लीला नॉरफॉक की तलाशी के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके किडनैप होने के बारे में गुरुवार शाम को जानकारी मिली। सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ है। वहीं भारतीय नौसेना के विमान जहाज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्रू मेंबर के साथ कम्युनिकेशन स्थापित कर लिया गया है। वहीं सभी क्रू मेंबर जहाज के अंदर सुरक्षित हैं। हूती अभियान अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए असाधारण रूप से विघ्नकारी रहा है, जिसके कारण कुछ कंपनियों ने लाल सागर के रास्ते को छोड़ दिया है और इसके बजाय अफ्रीका के आसपास बहुत लंबी महंगी यात्रा की है। मध्य पूर्व में अमेरिकी नौसेना बलों का नेतृत्व करने वाले वाइस एडमिरल ब्रेड कूपर ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि हूती विस्फोटक नाव लाल सागर में लगभग 50 मील किलोमीटर तक चली गई और फिर शिपिंग लेन में विस्फोट कर दिया गया।